वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसी तरह उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग क्या होती है, उसकी डायग्राम, जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि जो डायग्राम है वो आपने लाजमी बनानी है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, ठीक है। हब एक डिवाइस है जो कि हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हब एक जो नॉर्मल डिवाइस है उसमें मतलब 24 कंप्यूटर्स हम एट अ टाइम अटैच कर सकते हैं। लेटेस्ट भी आई होंगी लेकिन 24 कंप्यूटर्स हम एक वक्त में चला सकते हैं। स्विच भी एक डिवाइस होती है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जितने कंप्यूटर्स हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर, वो सब एक सेंट्रल मेन डिवाइस जी जो आपके सेंटर में नज़र आ रही है इसके साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं, उसे हम हब कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। आपने दो मॉडल पढ़े थे, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर, जिसमें मैंने आपको कहा था ऊपर ये कि बस नेटवर्क जो टोपोलॉजी है इसके अंदर ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है मॉडल के अंदर, और स्टार टोपोलॉजी जो है ये आपकी क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर इस्तेमाल होता है। मतलब एक सर्वर आपका होता है जिसे हम हब कह रहे हैं, जो कि सारा सारे के सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर होता है। अब आप कहेंगे एक सर्वर के तौर पे कैसे उसके हम वर्किंग पढ़ते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, तो वो सेम वही एड्रेस भेजेगा और डाटा भेजेगा, लेकिन इस दफ़ा एड्रेस और डाटा इस वायर की मदद से इस डिवाइस के ऊपर जाएगा, और ये डिवाइस डिसाइड करेगी कि वो हमें डाटा किस कंप्यूटर को भेजना है। अगर इसके पास साथ जो जो कनेक्शन बने हुए हैं उनमें से किसी कंप्यूटर के साथ एड्रेस मैच हो जाता है जो सेंडर ने भेजा है, तो उसको वो पैगाम दे दिया जाता है और वो रिसीव कर लेता है। तो इसका मतलब है सारा डिसीजन इस सेंट्रल डिवाइस हब कर रही है, के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वर्किंग भी यही है, द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू हब, भेजने वाला हब को भेजेगा। द हब सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर, और हब क्या करेगा उस कंप्यूटर को भेज देगा जिसके साथ उसका एड्रेस मैच हो जाएगा। तो हर कंप्यूटर जो है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जी हाँ, सेंट्रल डिवाइस हब के साथ। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद द सेंट्रल हब। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इट इज़ ईजी टू मेनटेन, इसको बरकरार रख के चलाना मतलब ईजी चलाना हमारे लिए आसान है। इसके अंदर मॉडिफाई नेटवर्क, अगर आप और चेंजिंग करना चाहते हैं और कंप्यूटर्स बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। इस जुमले का मतलब ये है कि आप अगर कोई कंप्यूटर इसमें शामिल भी करते हैं, पांचवा करते हैं शामिल, या इनमें से कोई एक डिलीट करके चौथा डिलीट कर देते हैं, तो उस पर इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐड या रिमूव करने से। फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल, इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम अगर किसी डिवाइस के ऊपर आ जाती है तो उसको हम डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि अगर ये इसमें प्रॉब्लम आ गई तो ये तो सारे अलग अलग वायरें कनेक्ट होंगी, तो इसके ऊपर असर नहीं होगा, हम इसी वायर को आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे कि इस कनेक्शन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई हुई है, क्या इस कनेक्शन पर ये डिवाइस काम नहीं कर रही, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क, इस पूरे जुमले का मतलब ये है कि अगर इसमें चार कंप्यूटर में से अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो इसका बाकी कंप्यूटर पर या बाकी नेटवर्क पर असर नहीं पड़ेगा। बाकी टोपोलॉजीज की नस्बत फ्लेक्सिबल मतलब आसान टोपोलॉजी है, इसके अंदर चेंजिंग करना, इसको चलाना, यूज़ मेंटेन करना बहुत हमारे लिए आसान है। कोई से आप चार इसमें से एडवांटेजेस याद कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, कि अगर ये सेंट्रल डिवाइस जो हब है अगर ये ही काम करना छोड़ दे तो बाकी कम डिवाइसेस जो हैं वो इसके साथ जो कनेक्ट हैं वो भी काम नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकेंगी। तो इसलिए डिसएडवांटेज ये कि इफ सेंट्रल हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब सारा खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट, आपको वायर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर की तादाद ज़्यादा है तो आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग वायर चाहिए होगी जो कि इस हब के साथ कनेक्ट होगी, वो वायर्स ज़्यादा चाहिए होंगी। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इस लिहाज से दो तरीके से, एक तो ये जो सेंट्रल डिवाइस हब होती है ये एक महंगी होती है,
दूसरा आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग-अलग वायर खरीदनी पड़ती है जो कि एक्सपेंसिव है, इस वजह से ये डिसएडवांटेजेस में इनके लिखे जाते हैं। तो ये आपकी टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी, उसकी वर्किंग ऑर्डर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग नाम से बता रहा, रिंग शेप जो है ये गोल रिंग की तरह होगी और इसके अंदर हम सेम वही एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। कहता है इन रिंग टोपोलॉजी के अंदर ईच कंप्यूटर, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है और दूसरे वाला नेक्स्ट कंप्यूटर के, समझ लीजिए लास्ट वन जो है वो फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट है। किस तरह, ये देखिए फर्ज करते हैं ये कंप्यूटर वन है, ये कंप्यूटर टू है, ये कंप्यूटर थ्री है, ये कंप्यूटर फोर है। ये कंप्यूटर वन जो है ये कंप्यूटर टू के साथ कनेक्ट है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर थ्री के साथ कनेक्ट है, कंप्यूटर थ्री कंप्यूटर फोर के साथ कनेक्ट है, एंड सो ऑन करते करते दोबारा कंप्यूटर फोर दोबारा फर्स्ट के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह ये क्या बन रहा है, ये एक रिंग बन रही है, रिंग नुमा एक शक्ल बन रही है। लेकिन अब ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब ये है इसमें जो मैसेज आपका जाएगा वो क्लॉक वाइज जाएगा, इस तरह एंटी क्लॉक वाइज नहीं जाएगा, क्लॉक वाइज। ये जिस तरह एरो जिस तरफ जा रहा है क्लॉक वाइज डाटा आपका मूव करेगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखें। अब वर्किंग पढ़ते हैं, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर। जिस तरह आपको पता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ रिंग में कनेक्ट है। ईच कंप्यूटर रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर, अगर इसने इसको भेजना है चौथे को तो यहाँ पे जाएगा, इसमें मैसेज एड्रेस मैच करेगा, मैच नहीं और आगे भेज देगा, एड्रेस मैच नहीं और आगे भेज देगा, एड्रेस मैच हो जाएगा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे इस रिंग के नेटवर्क के अंदर, ये रिंग टोपोलॉजी के अंदर, सॉरी नेटवर्क नहीं, रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, वो हम प्रोटोकॉल है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो जो कह रहे थे मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन देखें इसी डायरेक्शन में आएगा, ये नहीं कि दोबारा वापस जाएगा इसी एंटी क्लॉक वाइज नहीं, जिस तीर जिस तरह तीर जिस तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैसेज आएगा। द मैसेज इज पास अराउंड द रिंग, रिंग के अंदर उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक वो सही डेस्टिनेशन मतलब उस जगह पर ना पहुंच जाए जिस कंप्यूटर का एड्रेस मैच होगा, तो वो घूमता ही रहेगा मूव करता ही रहेगा। ये वर्किंग है। एडवांटेज क्या है कि स्टार टोपोलॉजी की नस्बत यह महंगी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हब नहीं है, या मतलब हम कह सकते हैं कोई सर्वर टोपोलॉजी सर्वर कंप्यूटर नहीं है। एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, मतलब हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आसानी से एक्सेस कर सकता है और सारे एक ही वायर के साथ भी कनेक्ट हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक कंप्यूटर यहाँ पर ख़राब हो जाता है, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर टू ख़राब हो जाता है, तो इससे बाकी नेटवर्क पर भी असर पड़ेगा। क्यों, अगर इसने इसको डाटा भेजा थ्री को तो ये टू से हो के जाएगा ना, तो टू ही अगर ख़राब है कनेक्शन तो आगे कैसे जाएगा, और तो रास्ता है को नहीं जाने का, ये तो एंटी क्लॉक वाइज जा नहीं सकता, इस वजह से नेटवर्क में असर पड़ता है। इसमें एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल है, ट्रबल शूट का मतलब होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स अफेक्ट द होल नेटवर्क, अगर यहाँ से हम ये कंप्यूटर रिमूव भी करते हैं इसका भी असर पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस चेंज करने पड़ेंगे दूसरे कंप्यूटर के, अगर यहाँ हम इस जगह पे एक और ऐड कर दें तो यहाँ पे जो नया आएगा उसका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसका एड्रेस नया होगा वो फिफ्थ होगा कंप्यूटर, वो तो यहाँ थर्ड के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, वो उसको ऐड करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये जो दो टोपोलॉजी हैं इनको बेहतर तरह से आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ ही कहें, शेयर करें, हमें दुनिया में जहाँ पे भी जो सुन रहे हैं जो उर्दू जानते हैं या जो हम ऐसे पाकिस्तानी हमें बाहर सुन रहे हैं तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है सर, पढ़ाई के लिहाज से नहीं, वैसे भी कंप्यूटर के जो इंटरेस्ट शौक रखते हैं उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।